बीते 5 महीनों में राजनांदगांव पुलिस ने नशीले पदार्थों की लगातार धरपकड़ की, जिसके परिणाम स्वरूप आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। पुलिस का मानना है नशे की लत के चलते लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। राजनांदगांव पुलिस ने अध्ययन किया कि नशे का इस्तेमाल करने के कारण लोग अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। एसपी मोहित गर्ग के निर्देशन में पुलिस ने अवैध शराब, गांजा व नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया, जिस कारण लोगों में नशे की आदत कम हुई तो अपराधों के ग्राफ में भी गिरावट दर्ज की गई। विगत 5 माह की स्थिति में अवैध शराब के 379 प्रकरणों में 389 व्यक्तियों के पास से 2,283 लीटर से ज्यादा देशी विदेशी शराब पकड़ी गई। नशीले पदार्थों के विरुद्ध राजनांदगांव पुलिस की लगातार कार्रवाई से आबकारी एक्ट के मामलों में 61% वृद्धि हुई है। इस वजह से विभिन्न अपराधों में कमी आई है। नशे पर लगाम लगाया जा रहा है। संदर्भ में पिछले 5 महीने में लगभग शराब के 379 प्रकरण में 389 आरोपी को गिरफ्तार करके 2,200 लीटर से अधिक शराब पकड़ी गई है, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। इसी प्रकार गांजे पे कार्रवाई की गई है। गांजे में लगभग 170 किलो गांजा जब्त किया गया है और जुआ और सट्टे पे भी कार्रवाई की गई है, जिसमें जुए पे लगभग 61 आरोपी और सट्टे पे लगभग 52 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।